जी आज दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच सारिया का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या, तानाशाही का नंगा नाच चंडीगढ़ दे विच वेखन नूं मिलिया। 27 दिसंबर नूं जदों चंडीगढ़ नगर निगम चोणां दे नतीजे आए तो चंडीगढ़ के लोगों का फैसला लोगों के सामने आ गया कि लोगों ने सब तो वड्डी पार्टी आम आदमी पार्टी नूं बनाया। चंडीगढ़ के लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनी। सब तो ज़्यादा सीटा चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी दित्तियां। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबक अज आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ कारपोरेशन बनना सी, पर बीजेपी जिदा तुसी कह सकते हो इस चीज़ का एक ट्रैक रहा है कि लोगों के फतवे का अपमान किस तरीके करना है। इस तो पहला भी बहुत बारी वेख्या है। सब तो पहली गल कि जदों जदों बीजेपी की कितने सरकार नहीं बनती तो हर वार की तरह कांग्रेस ने, जो आप शुरू तो कहते आए हैं कि कांग्रेस तो बीजेपी के विच नजायज़ संबंध ने, वह नजायज़ संबंधों का एक बार फिर तो प्रमाण किया कि अपना पार्षद सीधा सीधा बीजेपी के शामिल कराता। कांग्रेस का पार्षद बीजेपी के शामिल होने तो बाद भी जो गल नहीं बनी, उस तो बाद की किया गया, एम पी की वोट भी करा दी गई। एम पी की वोट कराने तो बाद भी गल नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी की वोट तो सीधा सीधा रिजैक्ट करके तो बीजेपी की फटी हुई वोट तो भी वैलिड करार दे के सरेआम नियम कानून नूं ताक ते रख के उहदी धज्जियां उड़ाते हुए जबरदस्ती बीजेपी का मेयर डिकलेयर कर दिता गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक इलैक्टेड बीजेपी का काउंसलर सी जो हाथ उत्ते बीजेपी का बैंड बन के बैठा सी, जो घरों ही सौ खा के आया सी नियम कानून जान एक साइड पर, अपन बीजेपी का मेयर बना के आवेंगे सारे नियम कानून एक तर साइड पर रखते हुए। बीजेपी का मेयर जिस तरीके बनाया गया, लोकतंत्र की हत्या है। बहुत शर्मनाक काम अच्छ चंडीगढ़ होया। चंडीगढ़ के लोगों के इस चीज़ का बहुत जबरदस्त रोष है कि साडे फैसले के खिलाफ बीजेपी तो चलो उम्मीद की जा सकती सी, पर चंडीगढ़ की अफसरशाही ने जिस तरीके संविधान का अज निरादर किया है तो बीजेपी के पेड वर्कर होने का अज फर्ज अदा किया है, वो वेख के चंडीगढ़ के लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है। चंडीगढ़ म्यूनसीपल कारपोरेशन के दफ्तर के बाहर वड्डी गिणती में लोग अपने रोष का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप चेतावनी देना चाहते हैं वो सारे अहदेदारों, वो सारे अधिकारियों कि इमीजिएटली निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ एम सी की रीकाउंटिंग कराई जाए तो निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ का मेयर चुनिया जाए, नहीं तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग होएगी आपां उहदा सहारा लाँगे। सानू पूरा यकीन है कि कोर्ट तो सानू न्याय जरूर मिलेगा। तो जज जो अज धांधली की है बीजेपी तो चंडीगढ़ की अफसरशाही ने मिलकर इहदा पर्दाफाश कोर्ट में जाके जरूर होएगा। एक जी मेरे नाल पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्डा जी, विनय मिश्रा जी भी मौजूद ने। राघव चड्डा जी अपनी गल रखेंगे। एक चीज़ आज के इस मेयर इलेक्शन से साफ हो गई और जो सबसे बड़ा कंक्लूजन आज की पूरी इलेक्शन प्रोसीडिंग से निकला है वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक हिडन अलायंस, एक गुप्त गठबंधन करके इस मेयर के इलेक्शन को लड़ा। बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ हुई और रल मिल के बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अनअनाउंस्ड हिडन अलायंस का, गुप्त गठबंधन का मेयर बनाया। 12 वोट बीजेपी के पास थे, 14 वोट आम आदमी पार्टी के पास थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मदद करी, अपने काउंसलर बीजेपी को सौंप दिए, इनके काउंसलर ने बीजेपी के लिए वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलायंस के चलते अपना मेयर बनाया। पूरे इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से एक पार्शियल प्रोसेस में बनाया गया, तब्दील किया गया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए आम आदमी पार्टी के सही वोट को फाड़कर रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी के फटे हुए वोट को एक्सेप्ट करके वैलिड वोट करार दिया गया। और आंकड़ों की बाजीगरी इस तरह करी कि बीजेपी के 14 हो जाए और आम आदमी पार्टी के 13 हो जाए और मेयर बीजेपी का बन जाए। यह एक अलायंस के तहत, कांग्रेस और बीजेपी ने अलायंस के तहत इस इलेक्शन को लड़ा है।
जिसमें कांग्रेस ने अपने काउंसलर को एक्सपोर्ट किया बीजेपी में और बाकी काउंसलर्स को कहा कि आप एब्सटेन करिए वोटिंग से, यानी कि वोट डालने मत आइएगा ताकि बीजेपी को सहूलियत मिल जाए। हम बीजेपी का मेयर तो चाहते हैं लेकिन हम आम आदमी पार्टी का मेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाले समय में पंजाब में भी ये सारी पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, ये तीनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, चाहे इनके इलेक्शन सिंबल अलग हो लेकिन अंदर से इन लोगों का एक इनफॉर्मल अनहोली नेक्सस है, एक अलायंस है, और अलायंस के तहत वो लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पंजाब का इलेक्शन भी लड़ेंगी। ये मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूं। तो आज का सबसे बड़ा जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष निकला है, वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक हिडन अलायंस करके अपने गठबंधन का मेयर बनाया है चंडीगढ़ में, और पूरी इलेक्शन मशीनरी आज कॉम्प्रोमाइज्ड थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के साथ डीसी मिलकर बीजेपी का मेयर बनाने के लिए काम कर रहा है। बीजेपी का मेयर बन जाए उसके लिए डीसी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के साथ धक्का किया, धोखा किया, नजायज काम हमारे साथ। उनके ट्वीट से क्या होता है, ये तो साफ आज कैमरे पे कैद हुआ है। कांग्रेस ने अपना एक काउंसलर बीजेपी में शामिल करा दिया, बाकियों से एब्सटेन कराया, कांग्रेस और बीजेपी ने अलायंस कर ये इलेक्शन लड़ा है और उन्हीं के अलायंस का मेयर बना, ये तो साफ कैमरे पे कैद है। ये तो साफ तौर पे आज पंजाब की और चंडीगढ़ की आवाम के सामने बीजेपी और कांग्रेस रल मिलके अपना मेयर बना रहे हैं आप सबके सामने। सारी दुनिया विच इस तो वड्डा प्रमाण होर की हो सकता है कि सरेआम कांग्रेस का जितया होया पार्षद बीजेपी के जाके शामिल हो जाते, क्योंकि उत्तर सीटा घट पै रही सी, उस तो बाद भी गल नहीं बनती तो अफसरशाही का सहारा ले लेंगे। इस तो वड्डा तो प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता। चलते विधानसभा सैशन के आम